मिल गया ना मोहलत मौत की चेतावनी का। बाबूजी ये तो मेरी चाल थी, फसल इस बार हम ही काटेंगे। बाबा और कितना मिलाओगे? देखिए तो ये पूरा घुल गया। बेटा ये हमारी धरती माता है, ये जितना घुलेगी उतना ही हमारे लिए सोना उगलेगी। सेवा से ही तो मेवा मिलता है बेटा। सिर्फ 2 बीघा जमीन और इतना स्वाभिमान? अरे 2 बीघा जमीन ही नहीं रहेगा तो तेरा और तेरा पढ़ाकू बेटा चंदू का क्या होगा? ये देखिए ये ड्राइंग मैंने बनाई है। बहुत अच्छा बेटा, ठाकुर साहब बिटिया बड़ी और बुद्धिमान हो गई है, इसका नाम अपने स्कूल में क्यों नहीं करा देते? ठीक है मास्टर साहब, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर उसे थोड़ी भी तकलीफ हुई ना तो तुम्हारी जिंदगी तकलीफों में चली जाएगी। तुम रो क्यों रही हो बेटी? बाबूजी मैं फंस नहीं आई इसलिए। चल हवेली, तुझे बताता हूँ। हरामजादे मास्टर, तुम्हें तो पहले ही कहा था, फिर ये क्यों हुआ? क्या मेरी बेटी फंस क्यों नहीं हुई? इसमें मेरी क्या गलती है? हमें क्या पता वो गंवार चंदू फर्स्ट आ जाएगा। वो रामा का बेटा। मास्टर अब हमें पैरों के जूते सिर पे पहनने पड़ेंगे। मास्टर साहब ने मुझे स्कूल से निकल दिया और डांट कर बोले जाओ। बिना कारण बताए ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर साहब क्या ये सच है कि आपने मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया? रामचंद्र समझा करो, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा मन लगा के पढ़ना और मामा मामी का हर बात मानना। प्रणाम ठाकुर साहब। एक बात तो बताइए, आपको हमारे इस्माइल कैसे लगे? क्या साहब आपका पेज ढीला है क्या? शीश भागिया और भागिया ये मेरे भैया चंदन। हाय। जब से मिले हैं तुमसे नैना मुझको एक पल चैन कहीं ना। जब से मिले हैं तुमसे नैना मुझको एक पल चैन कहीं ना। अरे हिम्मत कैसे हुआ ठाकुर के बराबरी में खड़े होने का? क्या चल साले। रब ने कुछ वर्दी तुम्हें
न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए दी गई है, न कि ठाकुरों की चमचागिरी के लिए। हमें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ये ज्ञान सिंह पुरवा गांव इलाके और जवान में ये हवेली ही अदालत है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ जग्गा ठाकुर का उधर चलता है। अरे तुम तो ठाकुरों के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते हो कुत्ते, तुम तो हिजड़े हो हिजड़े। चल साले।